कॉल बुक पाए हम लोग इस बार सोचे थे बिग बॉस में दिखाई देंगी बस 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 चैनल वाले को पूछे वो बिग बॉस में क्यों नहीं मुझे मत पूछो क्या हुआ ऐसा जो नहीं आई यहां दे आर द बेटर जज दे नो उनको पता है अगले साल के लिए आपने शूट तैयारी शुरू कर दी उनके लिए मैं यहाँ काम करने की हमेशा तैयार रहती हूँ जहाँ मुझे चैनल ऑर्डर करेगा प्रोडक्शन ऑर्डर करेगा मैं चली जाऊँगी वहाँ पे क्या जुड़ा है कलर्स कलर्स का पहला साल था मैंने डांसिंग क्वीन किया था और जितने लोग कलर्स में काम करते थे वेरी क्लोज टू मी दे वेरी हार्ड वर्किंग फीमेल सो माई सपोर्ट इज ऑलवेज फॉर देम कैसा चल रहा है बिग बॉस इन दोनों मैं कैचअप नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मैंने सुना है बहुत झगड़ा झगड़ी चल रही है सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आप होती तो क्या करते हैं पता नहीं वो तो वहाँ जाकर पता चलता बिकॉज जैसा मैं सुन रही हूँ कि बिग बॉस के हाउस में रहना इतना इजी नहीं है सो नो कमेंट्स आई एम श्योर उन वो सब पे इतना ही प्रेशर होगा सो दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिंग लाइक दैट सनी लियोन के बारे में क्या कहना है ये एक नई अभिनेत्री आई है एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस है जो उन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पे अच्छा है थोड़ा बिग बॉस में ग्लैमर आएगा शांति होगी लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा चैनल ने अच्छा मूव किया है ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा सो आई थिंक द टीआर विल गो हाई एनीबॉडी इन द चैनल लिसनिंग टू दिस प्लीज टॉक टू देम थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट ईयर होपफुली थैंक यू